शादी है, वो भी 40 साल की हरी चाचा के साथ। अब तेरी गर्लफ्रेंड वो मूछे वाली है ना? अरे हाँ, यही तो प्रॉब्लम है, सब कुछ मम्मी की वजह से यार। उस दिन वीडियो कॉल पे मम्मी ने उसकी असलियत जान गई थी। ए बस कर, ले पी ले। नहीं यार, मैं सिर्फ दूध पीता हूँ वो भी। अरे हाँ पता है यार, इतने सारे प्लानिंग्स वगैरह किए थे यार। हनीमून पे मनाली जाएंगे, उधर जाके डॉगी स्टाइल ट्राई करेंगे, एनल ट्राई करेंगे, बीडीएसएम ट्राई करेंगे, सालों में 8-10 बच्चे पैदा करेंगे, एक साथ मिलके चड्डी साफ करेंगे। सब प्लानिंग बर्बाद यार। अब वो 40 साल की अंकल को दूध पिलाएगी यार। ए, रिलेशनशिप में हो मतलब कि ये नहीं कि तुम हर समय गर्लफ्रेंड की तलवे चाटोगे। प्यार की मतलब है एक दूसरे की सोल को समझना। आज वो बंदी तेरे को छोड़ के चली गई, कल उस 40 साल की बूढ़े के साथ शादी भी मना रही है। क्या इधर प्यार है, क्या इधर प्यार थी? नहीं थी। अब 2 दिन बाद जब तेरी वो मूछे वाली 40 साल की बूढ़े की वो मुंह में लेगी, तब जाके एहसास होगा कि इससे अच्छा तो राजू का वो 2 इंच था। समझेगी नहीं बेटा, मेरी भी एक बंदी है, मैं भी उसके साथ 5 साल से रिलेशनशिप में हूँ। इस 5 सालों में हम हर रोज 5 मिनट के ज्यादा बात नहीं की। अरे भाई, इधर प्यार है, इधर अंडरस्टैंडिंग है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रहा तो क्या वो रिलेशनशिप है? उधर प्यार ही नहीं है। और ये मुद्दा तुमको समझना पड़ेगा, समझेगी नहीं? ओम जय जगदीश हरे। हेलो, कहाँ थे? मैं कब से फोन कर रही हूँ। हाँ बेबी, सॉरी, मैं वो नोटिस नहीं की एक्चुअली। क्या 10 मिनट निकाल सकते हो? अरे बेबी, 10 मिनट क्यों, तुम 10 घंटे ले लो ना। ए भाई लोग, 5 मिनट। गरीबों की संदीप माहेश्वरी, और तू रो रहा है वो भी इस मूछ वाले के लिए? हाँ क्या यार, कम ऑन, ग्राउंड पे आ, खुल के खेल। मैं हर समय खुल के खेलता हूँ ब्रो, मेरा स्टोरी सुनेगा, 10 से 11 के साथ रिलेशनशिप में था, ये सब हैंडल करने में ना पावर लगता है उधर का। अब 6 बंदी है मेरी, और वो लजबंदी के साथ मेरा ब्रेकअप कैसे हुआ है पता है? क्या यार, उसका नाम क्या था? अरे वो पूनम। पर वो तो मेरी बंदी का नाम है। अपनी बंदी से जाके पूछना उसके एक्स के बारे में। कंटिन्यू। तो ब्रेकअप के लास्ट नाइट, तभी हम लोग श्योर नहीं थे कि आपस में हम लोग ब्रेकअप करेंगे या नहीं, पर हम दोनों के सर के ऊपर ब्रेकअप मंडरा रहा था। तो उस रात हम दोनों मिलकर डिसाइड की कि ब्रेकअप से पहले आखिरी बार के लिए हो जाए तो और क्या, मियां भी राजी बीवी भी राजी। तो करो घपाघप, फिर कपड़े वपड़े खोल के मेरे मन में एक ख्याल आया, क्यों ना इस बार कुछ डिफरेंट ट्राई किया जाए। तो मैंने उसको अप्रोच किया, फिर उसने बोली, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। शुरू हो गया लफड़ा। पर वो क्या? अरे वो तो वो क्या, आर यू टॉकिंग अबाउट एनल? एग्जैक्टली माई पॉइंट ब्रो। तो क्या हुआ, सारी रात उस बंदी से लफड़ा हुआ, बवाल हुआ, फिर भी नहीं मानी। फिर फाइनली जाके वो छत पे सो गई और मैं घर के अंदर। अगले दिन सुबह करीबन 10 बजे मैं छत पे गया और देखा वो तभी 60 डिग्री एंगल में सूरज के साथ अपने पिछवाड़े को कांटेक्ट करके सो रही। और तभी मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, यही सही वक्त है। तो तुमने उसकी मार दी? अरे तुम यार, इंटरवल को क्लाइमेक्स मत समझा करो। कंटिन्यू। और फिर क्या हुआ, मैं तुरंत घर पे गया और मेरे ड्रॉयर खोल के मैग्नीफाइंग ग्लास बाहर निकल के ले आया। फिर सूरज की रोशनी को 180 डिग्री एंगल में उस मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर से पास करवाया, फिर सीधा पॉइंट किया उसके पिछवाड़े में, बूम, जल गया पिछवाड़ा। कभी मौका मिले तो अपनी बंदी की पैंट को उतर कर देखना, मार्क मिल जाएगा। कोई बात नहीं, मैं बर्नर लगा दूंगा। क्या हुआ आयुष? मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे ब्रेकअप करने की बात कर रही थी। पर क्यों? पता नहीं, कोई राहुल नाम का बंदा उसे प्रपोज किया है।
राहुल अब झेलो